संभल के चंदौसी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने कोरोना वायरस पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे विश्व भर में कोहराम मचा रखा है और भारत में भी इस वायरस ने आतंक मचा रखा है, इसी पर चिंता जताते हुए आज जनपद संभल के चंदौसी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि सरकार ने आम नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु जो एडवाइजरी जारी कर रखी है, लेकिन आम नागरिकों में एक वर्ग वाल्मीकि वर्ग है जिसके ज्यादातर नागरिक नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सफाई करने का कार्य करते हैं। अधिकांश ये देखा गया कि इन सफाई कर्मियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं, जबकि सफाई कर्मचारी अपना जीवन जोखिम में डालकर बिना किसी सुरक्षा के सफाई का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। मामला ये है कि विश्व के अंदर एक कोरोना नाम का जो वायरस चल रहा है उससे बहुत ही ज्यादा गहरी बीमारियां फैल रही है और जिससे लोगों की मौत भी हो रही है, चाइना है और भी जो है, और भारत, हमारे भारत के अंदर भी वो फैल चुका है, जिसमें कि उसे राष्ट्रीय जो वो है विश्व क्या नाम है स्वास्थ्य विभाग जो है WHO जो है उसने भी जो है इसे महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे में भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो एक वर्ग आता है वाल्मीकि समाज, जो सबसे ही गंदा काम करता है, जो सुबह 5 बजे उठता है, नाली मैला ढोना और जैसे गंदे काम करता है, तो उनमें इस बीमारी को फैलने की सबसे ज्यादा आशंका है। और भारत सरकार ने इसके लिए ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया है जो कि इस समाज को ये कोरोना वायरस ना हो। इस संबंध को लेकर हमने राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक ज्ञापन सौंपा उप जिलाधिकारी द्वारा, जो कि राष्ट्रपति तक हमारी ये बात पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री जी जाने और तुरंत तत्काल इसको वाल्मीकि समाज को ऐसी कोई सॉफ्टवेयर उपकरण और जो है उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए जिससे वाल्मीकि समाज में ये कोरोना वायरस ना फैले।